वेलकम बैक टू इंश्योरेंस स्पेशल मनी गुरु। लेते हैं अगला सवाल। हमारे पास इस वक्त पंजाब से यज्ञा दत्त का सवाल है, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। यज्ञा, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। आपने हमें सवाल भेजा था, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैडम, मैंने एक इंश्योरेंस करवाई थी, मेडिकल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस वालों से। करीब 1.5 साल पुरानी वो इंश्योरेंस है। तो पिछले दिनों मैडम जी का एकदम हार्ट बीट उनकी डाउन हुई, हमने ईसीजी करवाई और पेस मेकर डलवाना पड़ रहा है। और जब हमने ओरिएंटल इंश्योरेंस वालों से कॉन्टेक्ट करा, उन्होंने इस में रिफ्यूज कर दिया कि ये अभी वैलिड नहीं हो रहा। जबकि अदर इंश्योरेंस वालों से जब हमने सेकेंड ओपिनियन लिया, तो उन्होंने कह दिया भी ये हो सकता है। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस वालों ने हमें रिफ्यूज करा। नो डाउट आज उनकी अप्रूवल हमें अपनी मेहनत से, अपने रसूख से आ गई है। धन्यवाद। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर दीपक से ही जानेंगे कि ऐसे केसेस सामने आए हैं, जैसा यज्ञा ने भी हमें बताया है पूरा केस, क्या रीजन हो सकता है कि ऐसे मामलों में कंपनी रिफ्यूज कर देती है कि आप वो बेनिफिट नहीं दे सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कि वो जी, दीपक बताइए। तो जनरली अगर जब इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं, तो एक वेटिंग पीरियड होता है फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। मतलब आपने जब प्लान खरीदा है, तब आप किसी एक इलनेस के लिए या लिस्ट ऑफ डिजीजेस के लिए आप अगर ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो वो ट्रीटमेंट आपको 3 साल तक या 4 साल तक उसके लिए कवरेज नहीं मिलेगा। तो जनरली इंश्योरेंस कंपनीज ये क्लॉज रखती है। ये थोड़ा मुश्किल है कि अगर हमें पता नहीं था कि ये इलनेस है और मैंने कल पॉलिसी लिया और 6 महीने में मुझे अगर इसका ट्रीटमेंट कराना पड़े, तब वो रिफ्यूज नहीं करते हैं। मगर पहले से ट्रीटमेंट ले रहा था, तब हमको वो वेटिंग पीरियड के लिए वेट आउट करना पड़ता है। और कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी पहले से बता देते हैं कि हम वेटिंग पीरियड में कवर नहीं करेंगे, तो वैसे केसेस में ही होगा। जनरली अगर आपको कोई सीरियस इलनेस 2 साल पॉलिसी लेने के बाद अगर हो जाए और आपने नया इसको, मतलब कोई पुराना हिस्ट्री नहीं था, कोई ट्रीटमेंट हिस्ट्री नहीं है, तो जनरली इंश्योरेंस कंपनी इसको कभी रिजेक्ट नहीं करती।